नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन पॉइंट फाइव आपसे बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट न्यूटन मेजर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ ओके स्टूडेंट्स तो ध्यान से चेक करिए ये अर्थ है ओके okay, और यहां पे मैं आपको मून दिखा रहा हूं मून को थोड़ा सा छोटा दिखा देते हैं ये आपका मून है ओके स्टूडेंट्स ठीक है तो ये आपका अर्थ है और ये मून है ठीक है स्टूडेंट्स अब सुनिए कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है ये ऑब्जेक्ट है कोई

तो कह रहा व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट व्हाट विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून डब्ल्यू एम डब्ल्यू एम का मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून मून के सरफेस पे इसका वेट कितना होगा ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्स टाइम्स वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ये बात आप याद रखिएगा ठीक है इसको एज अ फॉमूला आप लर्न कर सकते हो जैसे करना आप कर सकते हो मून पे जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होगा ठीक है अगर कोई एम मास की बॉडी है अर्थ पे भी उतना ही मास होगा मून पे भी उतना मास होगा मास नहीं चेंज होगा क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं चेंज होगा भाई खुद सोचो ये कोई वन किलोग्राम की बॉडी है ठीक है ना तो ये जो वन किलोग्राम की बॉडी है बच्चों इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर वन किलोग्राम है चाहे चाहे आप अर्थ पे पे रखो इसको मून ले जाओ तो लेकिन वेट चेंज हो रहा, हो रहा। क्या होता है ले जाओगे तो अर्थ का मास कुछ और है तो अर्थ एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इसके ऊपर ऐसे अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा तो अर्थ इसको किसी अमाउंट से अट्रैक्ट करेगा और मून का मास क्योंकि अलग है तो मून इसको किसी अमाउंट से अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑफ अर्थ का मून का मास अलग है। भाई ना तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे अलग अलग क्वांटिटी में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे या ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे ठीक तो यही जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यही क्या है? वेट है तो दोनों पे वेट अलग अलग होगा बस आपको इतना याद रखना है क्या वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज वन बाय सिक्स टाइम्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बस अब कोई दिक्कत नहीं यहां से आ जाइए वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू वन बायस इंटू वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ ठीक अब वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना के बना है आपको टेन न्यूटन तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे टेन न्यूटन चलिए सो यहाँ से कितना आ जाएगा टेन इंटू वन इज टेन डिवाइडेड बाय सिक्स न्यूटन ठीक अब टू थ्री जिक्स और टू फाइव ज टेन सो आंसर आ गया कितना फाइव बाय थ्री न्यूटन अब फाइव को थ्री से डिवाइड कर दीजिए चलिए फाइव को थ्री से डिवाइड कर दीजिए थ्री वन 3 फाइव माइनस थ्री टू डेस्मल लगाओगे जीरो बढ़ाओगे सिक्स ज़ा एटीन फिर यहाँ टू बचेगा डेस्मल की हेल्प से ज़ीरो सिक्स ज़ा एटीन फिर एटीन माइनस टेन ट्वेंटी माइनस एटीन टू की हेल्प से जीरो और फिर से सिक्स आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप देखोगे बार बार यहाँ पे सिक्स रिपीट करता रहेगा है ना तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए हम इसको डेस्मल के थ्री प्लेसेस तक निकाल लेंगे पहले निकाल चुके हैं कितना है 1.666 न्यूटन अब हम इसको डेसिमल के टू प्लेसेस तक इसका आंसर देंगे कैसे ये जो लास्ट वाली डिजिट है इसको राउंड ऑफ करेंगे हटाएंगे इसको तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो अगर फाइव से बड़ी है तो हम क्या करते हैं इसके पहले वाली डिजिट में वन ऐड कर देते हैं तो क्या करेंगे वन पॉइंट अब ध्यान दो जरा ये वाला सिक्स तो ऐसे ही रहेगा और क्योंकि ये वाले सिक्स को हटा रहे हैं और ये सिक्स क्या है ग्रेटर देन फाइव है ये सिक्स क्या है ग्रेटर देन फाइव है इसलिए हम इस सिक्स से पहले वाले नंबर में वन ऐड करेंगे तो ये वाले सिक्स में वन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा सेवन सो आंसर इज वॉट 1.67 न्यूटन तो बस यही आपका आंसर है क्या कि वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1.67 न्यूटन ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए